सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी सर लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना, एक मिनट आई एम नॉट यील्डिंग प्लीज, एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोल, एक मिनट मुझे सुनिए साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकते, आपने अभी कहा नहीं, आप गलत फहमी मत फैलाइए, मेरा कहने बोलने दीजिए मेरे को, एक मिनट साहब मैं हाँ बोल दीजिए, चले बोल दीजिए, बात बोलने दीजिए मेरे को, आप पूरा पूरा बात कीजिए, मैंने सर क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गृहमंत्री जी, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं, हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं, सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता इसलिए मैं पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर सिमले एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए, तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा, नहीं ये चीज आप ये बायलैटरल है और आप ये क्या खुद कर सकते हैं, और अगले दिन क्या सिमला चुक्ति लाहौर समझौता नहीं रहेगा, ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया, जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर की बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है, वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, अब अधीर रंजन जी आपके नेता आपको जो बोलना है पूरी बात बोलना, अधीर रंजन प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी प्रस्ताव बिल के बारे में, नहीं बिल के बारे में बाद में, साहब इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर मैं क्या ऐसे ये बिल लेकर कैसे आया। एक मिनट बैठ जाओ भाई, आप एक बोल देना, नहीं हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा, मेरा इनसे निवेदन है कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं, भले दो मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। सर बड़ी बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी बड़ी खुशी, मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ क्योंकि आप कहते हैं ये इंटरनल मैटर है, हो गया आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया, लेकिन नहीं लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो क्या इंटरनल मामला है, नंबर वन। सिमला एग्रीमेंट लाहौर समझौता हम लोग किए थे वो क्या इंटरनल मामला थे, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो, तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धागिया उड़ा के हमें समझाना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे
रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी। आई वॉन्ट टू बी एनलाइटन बाई यू, आई वॉन्ट द एंटायर पार्टी, एंटायर कांग्रेस पार्टी वॉन्ट टू बी एनलाइटन बाई यू। इट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू बी एनलाइटन। गलत फहमी मत करिए, आप ऐसा माहौल बना, आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते, ऐसा माहौल मत खड़ाइए। नहीं, कभी नहीं।